हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक के स्पोर्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगा। यानी कि बहुत से स्टूडेंट का प्रिंट तक का ऑप्शन आ रहा था, किसी का आ रहा था कि नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, या फिर रोल नंबर नहीं है, नॉट इन द लिस्ट, या एरर आ रहा है। सबके लिए बताऊंगा, सबके कौन से केसेस में ऐसा होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो देखो, मैंने आपको बताया था इस पे, कल मैं डिटेल में वीडियो लेके आया था, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, बाहर गया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर jmicoe.in। यहाँ पर रेड वाली जो नोटिस आती है वो मैंने आपको नोटिस यहाँ बता दी थी, जो ऊपर यहाँ आती है, सबसे ऊपर थी। उसके बाद जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पर देख सकते हो एडमिशन सेक्शन में, सबसे ऊपर तो था लेकिन अब सेकंड पे आ चुका है। यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ देखो नोटिस में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले पे क्लिक करना है, ये वाला जो है। देन जब आपने यहाँ पर क्लिक किया होगा तो आपका यहाँ पर आया था कि सेलेक्ट कोर्स, यहाँ पर आपको फिल करना है अपना, जैसे कि बीटेक। बीटेक के बाद यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपने मार्च अप्रैल में फॉर्म फिल करते टाइम डाला था, तभी जाकर शो होगा यहाँ पर। उसके बाद आप सर्च करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर सर्च के बाद आपका नेम आता है, आपकी डिटेल्स आती हैं, जो पेरेंट्स नेम या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसा कि सभी बहुत सारे स्टूडेंट का आया था। और नीचे लिखा रहता है प्रिंट का ऑप्शन, तो वो आपका समझ जाओ रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया। फीस लगती नहीं है, वहीं तक का प्रोसेस है, कोई चॉइस फिलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। उसके बाद मैं यही बताऊंगा कि अपग्रेडेशन कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट देखो, बहुत से स्टूडेंट का प्रिंट हो भी नहीं रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आपको प्रिंट रखना जरूरी है, वरना आपका प्रॉब्लम हो सकती है एडमिशन के टाइम, इस चीज़ का ध्यान देना है। प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद प्रिंट नहीं हो रहा तो आप थ्री डॉट जो होता है राइट में, वहाँ पे जाने के बाद शेयर के ऑप्शन में जाकर प्रिंट का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप पीडीएफ में सेव कर सकते हो और उसकी हार्ड कॉपी निकलवा कर एडमिशन के टाइम जब भी जाओगे लेकर जाना है, जब भी आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए, वो मांगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अपग्रेडेशन कैसे होगी, मैं उनके लिए ही बताऊंगा कि कैसे, जिनका नहीं आ रहा है उनके बारे में बात करेंगे, तो पहले उन्हीं के बारे में बता देता हूँ। देखो, एक्चुअली मैं अपग्रेडेशन के लिए जो है आपको कुछ नहीं करना, जिनका ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो और अपग्रेडेशन पे डाल दिया है, जब आप गए थे एडमिशन के लिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में, जब भी आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला होगा, मैंने हर वीडियो में बताया था, तो आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, उनको स्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो कर भी रहे होंगे तो नहीं आ रहा होगा। अब देखो किन किन स्टूडेंट्स का नहीं आता है, जैसे कि आ रहा है कि डेटा नॉट फाउंड या एरर, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने मार्च अप्रैल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जामिया का, यानी कि जिन्होंने जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, उनके लिए डेटा नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि डेटा आपने नहीं दिया मार्च अप्रैल में, पहला। दूसरा केस ये है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी और ब्रांच अपग्रेडेशन पे डाल दिया है तब भी आपका नहीं आएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया, जो अब वही अपग्रेडेशन का भी प्रोसेस है, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर ये है कि सपोज किसी का एडमिशन लिस्ट में नाम आया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी राउंड में, बट वो एडमिशन के लिए नहीं गए या फिर नहीं जा पाए किसी वजह से, तो उनका भी अगर आप चाहते हो स्पोर्ट में करना तो नहीं होगा। और एक और फोर्थ केस ये है कि आप, मैंने कमेंट में पढ़ा, उन्होंने कमेंट में बताया, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो कि रजिस्ट्रेशन नंबर को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो वहाँ से, फॉर्म से, तो कॉपी पेस्ट मत करो, डेटा नॉट फाउंड उसका भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि मैंने ये कमेंट में पढ़ा, आप में से ही किसी ने बताया था, तो आप एक बार वो खुद से टाइपिंग करके डालो, कॉपी पेस्ट मत करो रजिस्ट्रेशन नंबर, वो करके देखो, चौथा ये, तो आपका वो क्या पता हो जाए। यही चार केसेस थे जिनमें आप देख सकते हो आप कौन से में आते हो, तो आप अपना इंप्रूव कर सकते हो अगर हो रहा है तो। बाकी इसकी लास्ट डेट जो है वो कल तक की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल शाम तक की है, इसीलिए मैं ये वीडियो अभी लेके आ रहा हूँ लेट होने के बाद भी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो आपके जानने वाले जिन्होंने अप्लाई किया है, तुरंत जाकर यहाँ पर रजिस्टर करो, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आप ट्राई करो। यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस वालों को हॉस्टल नहीं मिलता, रेगुलर वालों को हॉस्टल मिलता है, चाहे स्पोर्ट में हो या नॉर्मल लिस्ट में एडमिशन हो। तीन चार और स्पोर्ट लिस्ट की लिस्ट आती हैं हर साल, कोई फिक्स नहीं होता, कट ऑफ काफ़ी लो जाएगी, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि डेली लेके आता हूँ। कुछ भी पूछना है, बताना हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।